वेलकम टू ईवी इलेक्ट्रिक सर्विस गाइस, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अपने सुजुकी सेलेरो में कार रेन प्रूफ स्टिकर का इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूं। तो साइड विंडो और साइड मिरर दोनों को भी कैसे स्टिक करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए गाइज, मैं रेन प्रूफ स्टिकर का अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है स्टिकिंग के लिए और यह है इसका फ्रंट साइड। इसमें आपको मिलता है क्लीनिंग की टूल्स, जिसमें एक पेपर है, अल्कोहल मिक्स और एक माउंट बोर्ड है जो बबल निकालने में यूज़ में आता है। आप इसको रफ करके बबल निकाल सकते हैं स्टिकर को अप्लाई करने के बाद जो भी रह जाते हैं। और इसमें आपको मिलता है दो साइड मिरर के स्टिकर्स, जिसके ऊपर मार्किंग दिया हुआ है आफ्टर यूज़ बिफोर यूज़, और दो मिरर के भी हैं जो सारे कार्स को इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। और एक बात दोस्तों कि कभी कभी ऐसे स्टिकर्स भी मिल सकते हैं जिसमें आपको कोई भी स्टिकर दिया हुआ नहीं है आफ्टर यूज़ बिफोर यूज़ के लिए। तो डरने की कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का और ब्लू कलर का स्टिकर दिया है। ब्लू कलर का पहले निकालना पड़ रहा है, इसके ऊपर लिखा है बिफोर यूज़, और रेड कलर का स्टिकर है उसके ऊपर लिखा है आफ्टर यूज़। तो दोनों में डिफरेंस अगर जानना है तो आप अभी कैमरा में देख पा रहे रहेंगे या नहीं देख पा रहे मालूम नहीं, लेकिन एक साइड इसकी ब्लू कम डार्क है और दूसरी ज़्यादा डार्क है। तो ज़्यादा डार्क वाली साइड बाद में ही निकालनी होती है। तो अभी ये स्टिकर में जैसे फर्स्ट ये मिला नहीं है, स्टिकर इंस्टॉल करके मिले नहीं है, तो ये क्लीनिंग पाउच के अंदर एक्स्ट्रा स्टिकर्स दिए हुए होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो इनको आप निकाल के मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। अभी ये मेरे फिल्म की डार्क साइड है और ये नॉर्मल साइड, नॉर्मल डार्क है। तो इसको मैं नॉर्मल स्टिक करूँगा और इसका जो कोट है या देख सकते हो ये निकल जाता है। फिर आपको इसको मिरर पे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद दूसरे साइड में एक्स्ट्रा स्टिकर्स है वो ब्लू फिल्म निकाल के आपको इसको क्लीन कर लेना है। तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी। और इसको इंस्टॉल करने से पहले जान लेना है कि मिरर पूरा क्लीन हो, डस्ट ज़्यादा ना हो, तो अच्छी तरीके से स्टिक होने में आपको हेल्प मिलती है। तो चलिए इंस्टॉलेशन वीडियो देख लेते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ विकास। आज मैं अपने सुजुकी सेलेरो को रेनप्रूफ स्टिकर का इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जन ने रिक्वायरमेंट किया था कि स्टिकर्स इंस्टॉल करते समय वीडियो बनाओ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कार को स्टिकर इंस्टॉल कैसे करने हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो पहले इसको क्लीन कर लेना ज़रूरी है और कपड़े से साफ करके ले लेना है पानी पहले पूरा, जो भी आपने उसके ऊपर डस्ट निकालने के लिए यूज़ किया है। जैसे पानी पूरा निकल जाता है आप अल्कोहल पेपर से उसको रफ कीजिए। इसमें हल्का अल्कोहल होता है, जैसे ही आप क्लीन करते हो एक बार नॉर्मल कपड़े से साफ करके ले लो मिरर को। उसके बाद बिफोर एप्लीकेशन वाला स्टिकर हटाना है। मिरर का सेंटर देख के आपको स्टिकर को जो स्टिक कर देना है।
आप देख सकते हो कि स्टिकर लग चुका है और बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंसी मिल रही है आपको। ऐसे ही करके सारे स्टिकर हम लगा लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इफ़ेक्ट कैसे आता है। तो चलिए मैं पहले सारे स्टिकर्स अप्लाई कर लेता हूँ। फाइनली आप देख सकते हो कि स्टिकर लग चुके हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा स्टिकर लगे हैं या नहीं लगे, तो मैं अपोजिट साइड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं इसके ऊपर पानी मार के दिखा देता हूँ। अपोजिट साइड में भी वैसे ही दिखेगा। तो चलो मैं कार के अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से किस तरह से दिखता है लगाया हुआ स्टिकर। आप देख सकते हैं कि अभी ये पूरा मिरर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। जैसे ही इसके ऊपर पानी आता है तो ये काम करना शुरू कर देता है। ट्रायल देख सकते हो आप मिरर पे भी सामने जब आता है तब। जैसे बारिश आती है इसका काम चालू हो जाता है। आप मिरर पे देख सकते हो कि मिरर पे भी पानी थोड़ा सा भी नहीं रुक रहा है और ग्लास पे भी नहीं रुक रहा है। अभी आपकी परेशानी ये होगी कि ये विंडो ऊपर नीचे करते निकल तो नहीं जाता है। तो आप देख सकते हो विंडो ऊपर नीचे करते समय इस स्टिकर को कुछ भी दिक्कत नहीं आती है अगर आपने सही से स्टिक किया है। तो ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं और देखते हैं कि कैसे दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पर भी आपको मैं पानी मार के दिखा देता हूँ। जितने एरिया में स्टिकर लगा है उतना पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ये स्टिकर बाय करना हो तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं।